हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जब मैंने वो यात्रा के बारे में आपको बताया, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, ये चार जो है ये उत्तराखंड के चारधाम है। ठीक है, तो फिर इस बारे में मैंने सोचा कि जब मैंने आपको केदारनाथ की यात्रा के बारे में बताया, तो केदारनाथ हमारे पंच केदारों में भी शामिल है। ठीक है, उत्तराखंड में जो पंच केदार हैं उनमें से पहले नंबर पर केदारनाथ आता है। ठीक है, तो फिर तो मैंने सोचा कि आपको बाकी चार केदारों के बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम वन बाय वन बाकी चारों केदार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी चारों केदारों के बारे में, वहाँ के रूट्स कैसे हैं, वहाँ पर कैसे पूजा होती है, ये सब चीज़ें, वहाँ का क्या इतिहास है, ये सब चीज़ें मैं आपको इनमें बताऊँगी। ठीक है, तो इसमें पहला मैं लाई हूँ टॉपिक तुंगनाथ। ठीक है, पंच केदार में फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट इसमें हमारा क्या था, केदारनाथ। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के चार धाम है वो हम पहले कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ था, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये जो तुंगनाथ है ये भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये जो देव मंदिर है तुंगनाथ में, ये भी यहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, भगवान शिव की। ठीक है, तो ये जो रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ मंदिर है, ये उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, उत्तराखंड में यूके में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर ये स्थित देव मंदिर है। ठीक है, तो ये कितना ऊंचा है, ये है आपका 12,570 फीट ऊंचा, इतनी ऊंचाई पर ये मंदिर आपका स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, इसकी पूरी कहानी, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा यहाँ क्यों होती है, इस सब की कहानी मैंने आपको केदारनाथ की जो वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कैसे पांडव भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहे थे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, लेकिन भगवान शिव उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे, तो वो आगे आगे चलते जा रहे थे। तो इस तरह की जो कहानी थी पूरी, मैंने आपको उसका पूरा इतिहास था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं प्राप्त हुई थी हमें, इसलिए यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मंदिर है ना, भगवान शिव का मंदिर, इस मंदिर से ही कुछ ऊंचाई पर एक चंद्रशिला मंदिर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रशिला मंदिर। ठीक है, चंद्रशिला मंदिर में ना रावण जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रशिला मंदिर में रावण शिला भी प्रसिद्ध है, उस रावण शिला की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, रावण शिला। ठीक है, इसके साथ साथ इस मंदिर में और क्या है, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे उनकी भी प्रतिमा है, यहाँ पर उनकी भी मूर्ति है, लगभग 2.5 फुट लंबी। ठीक है, उनकी भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, और इस चीज के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज तुंगनाथ के मंदिर के बारे में, वो ये है कि ये मंदिर आपका मई से नवंबर तक आप इसमें जाएं तो ये आपके लिए सबसे सही रहता है, सबसे सेफ रहता है। इसके अलावा जाड़ों में ये मंदिर स्नोफॉल की वजह से ना, आप ये समझ लीजिए कि ये बंद रहता है, आप इस ड्यूरेशन में ही इसमें जाएं, यही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके रूट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रूट कैसा है इसका, इसके रूट के बारे में आपको बताऊँ तो, जैसे ऋषिकेश है, ऋषिकेश एक कॉमन पॉइंट रहता है। ठीक है, ऋषिकेश से आप गोपेश्वर जाते हैं। ठीक है, तो ऋषिकेश से गोपेश्वर आपका आता है 212 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये जो गोपेश्वर है, गोपेश्वर से
चोपता आपको आना है, जो कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और फिर चोपता से आप कहाँ आएंगे, 5 किलोमीटर जब आप इससे ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको तुंगनाथ देव मंदिर में आप पहुंच जाएंगे, भगवान शिव का जो मंदिर है, ठीक है। यानी कि ऋषिकेश से गोपेश्वर, गोपेश्वर से चोपता, चोपता से आगे पैदल यात्रा समझिए आप इसे, ठीक है, तो आप ये मंदिर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके अलावा इसका एक और रूट भी है, ठीक है। वो रूट आपका आता है, आप अगर ऋषिकेश से ऊखी मठ होकर आना चाहते हैं, ठीक है, तो ऋषिकेश से ऊखी मठ आपका आता है 178 किलोमीटर, ठीक है। फिर ऊखी मठ से आप चोपता आएंगे, ठीक है, ऊखी मठ से चोपता आपका आता है 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। इसके आगे यही वाला फॉलो होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर ऊंचाई पर देव मंदिर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब चॉइस इज योर्स कि आप इस रूट से जाना चाहते हैं या इस रूट से जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इस मंदिर के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, ठीक है। पंच किरावों में से एक है, ठीक है, और यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जहाँ पर रावण शिला भी स्थित है, और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित है। इसका रूट कैसा है और ये कब खुला रहता है, ठीक है। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे पंच केदार की, ठीक है। ओके, थैंक यू।